व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फवाज आरिफ। और आज मैंने 3 नए जानवर पाले हैं, तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगा और पूरे एक विलेज टूर कराऊंगा। अगर ये वीडियो छोटा रहा तो प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं अब आपको अपने तीनों पेट्स दिखाऊंगा। 1 2 3 आप चिंटू को तो जानते हैं, पर ये है मेरा सबसे ताकतवर और खूंखार पेट रैल्फ द टाइगर। उसके बाद है ये मेरा दूसरा नया पेट हॉपर द रैबिट। और फिर तीसरा नया पेट है ये एंटोनियो द वुल्फ। ये सब मैंने अपने घर में इनका घर बनाया है। ये है चिंटू का घर, ये है रैल्फ का घर, ये है हॉपर का घर और ये है एंटोनियो का घर। इसलिए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। वही तो बाहर आ जाओ। ये देखिए मेरे घर में, मैंने अपने घर में एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी बनाया है जिससे अच्छा दिखे। और ये देखिए कितने शानदार दिख रहे। हेलो वो रैल्फ, हेलो एंटोनियो, कितना शानदार दिख रहा है ये मेरा नया घर। ए हाय हाय मत करो, मैं तुम्हें हटा दूँगा, बहुत मारूंगा। चलिए मैं आपको घर के ऊपर का दिखाता हूँ। ब्लॉक लो, अरे ये अटक क्यों गया? अरे यार ये क्या हुआ, मैं टेलीपोर्ट फिर से हो गया। कोई बात नहीं, अरे ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों हम ऊपर आ गए, ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। वक्त आ गया मेरे विलेज टूर का। अरे ये क्या लग जा रहा है भाई, हटो। तो चलिए मैं आपको उधर से विलेज टूर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है मेरा ये फार्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा फार्म है, यहाँ के अंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और फिर है ये दूसरा मेरा लार्ज हट, जिसका मैंने रास्ता बंद, गेट बंद कर दिया है। गेट मेरे नहीं बच गया, सॉरी दोस्तों, गेट तो इस तरफ से है। ये देखिए, अरे यार ये देखिए कितना अच्छा था। ये है मेरा लार्ज हट और फिर ये है मेरा एक और छोटा सा घर। मैंने उसके अंदर का रास्ता मेरे गलती से बंद कर दिया था, तो वो मैं रास्ता खोल लेता हूँ। चलिए ये देखिए कितना छोटा हट है ये। अब आगे दिखाता हूँ, ये विंडमिल तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद ये है स्टोन हट, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो स्टोन हट है क्या है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये है मेरा दूसरा हट, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये मॉडर्न हाउस तो आप लोग देख ही चुके हैं। हो हेलो कैसे हो, मेरे घर में मेरे मॉडर्न हट में ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसके अंदर का बहुत मज़ेदार है। और मार्केट तो आप सबने देखा ही होगा। और ये मेरा टाइटैनिक। तो चलिए अब हम अपने पेट्स के साथ खेलते हैं। जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। ओए रैल्फ दहाड़ो मत मेरे प्यारे टाइगर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सारे पेट्स। और हॉपर तुम उधर क्या देख रहे हो? ओए ऐ कहाँ गए, कहाँ गए, अरे 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 कहाँ गए, उधर हॉप करते करते चले गए। और तुम बाहर क्या देख रहे हो एंटोनियो? कोई बात नहीं, तुम मुझे करो। अरे कौन हाय हाय कर रहा है? हे मेरे प्यारे रैल्फ कैसे हो तुम? और अगर आप लोग ब्लॉक क्राफ्ट 3D खेलते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसे टोटल 10 लाइक्स तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि मेरा क्योंकि मैं अभी नया नया यूट्यूबर हो रहा इसलिए। अरे यार ये ब्लॉक का लग जा रहा है बार बार। ये देखिए क्या स्टाइल है मेरे रैल्फ के चलने का। और अभी रात होगी तो ये सब सोचेंगे सॉरी रैल्फ। अरे रैल्फ तुम एंटोनियो के साथ मज़े कर रहे हो, ठीक है करो करो, बहुत मज़े आ रहा है। ये सच में बहुत अच्छे गेम है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए रात हो गई, सब सो गए। वो देखिए एंटोनियो भी, रैल्फ भी सो गया, एंटोनियो भी सो गया
हॉपर भी सो गया और चिंटू भी सो गया, सब सो गए। और कोई भी विलेजर अंदर आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखते जा रहे, कोई भी विलेजर है पेट्स को डिस्टर्ब किया तो मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा। ये क्या था है, विलेजर ऊपर है क्या? ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरे सारे पेट्स। और हेलो फ्रेडरिक, हे मत करो, मेरे पेट्स को डिस्टर्ब होगा। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या? तो आप देखा क्या, आप देख सकते हो मेरे सब पेट्स सो गए। अरे अरे ये क्या हुआ, चिंटू और हॉपर कहाँ गए भाई? मतलब चिंटू और वो कहाँ गया? कोई बात नहीं, मुझे उन्हें बुलाना आता है। दोस्तों एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पापा फोन ले रहे हैं। परवेश जी को मैं बाद में उठाऊंगा। तो कोई बात नहीं, मुझे उन्हें बुलाना अच्छी तरह से आता है। पहले तो इनका घर हटा दो। और ये भी हटा दो। अब देखिएगा वो अपने आएंगे। ये देखिए आ गए अपने। सॉरी राल्फ, अब मैं रिश्ता हुआ तो देखा नहीं यहाँ करता तो। अरे अंदर टेलीपोर्ट, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उतरो नीचे, मैंने कहा उतरो। मुझे चिंटू, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नीचे जाओ तुम। नीचे मैं तुम्हें इतना ढालूंगा ना, जाओ नीचे। तो अगर आप विलेजर्स से परेशान हो गए तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन्हें बहुत नीचे गड्ढा खोदी खोदी और ये नीचे गिर जाएंगे, और उसके बाद ये बंद कर दीजिए गड्ढा। ये देखिए तो ये नीचे ही रहेंगे, चिंटू के घर पर रहोगी। ये लो तुम्हारे घर में जस्ट होगा, मेरे दोस्तों के घर के ऊपर आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो गुड बाय।